Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are fine. Okay students, today our lecture is applications on electrostatic. In our previous lecture we study about the electrostatic, electric force, Coulomb forces. Okay, now the name of our lecture is applications of electrostatics. अब students हमारे पास जो daily life में बहुत सारी applications हैं, ठीक है, हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस, वो चीज़ होती है जिनको हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. अब लाइटनिंग का ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करते. जो हमारे पास ये थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग आती है इसको हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो एप्लीकेशन में हमारे पास जो पहले है वो है फोटोकॉपियर मशीन जो हमारे पास आती है. इसके अलावा हमारे पास इंजेक्ट जो प्रिंटर है वो भी है, लेज़र प्रिंटर भी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये लेकिन हमारे पास जो अभी हम लोग जो इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अ फोटोकॉपियर मशीन और अ ज़ीरोग्राफी. इट मीन्स अ ड्राई राइटिंग, मीन्स कि एक पेज जिस तरह आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो आप देखते हैं पेज के ऊपर आपको क्या मिलती है, एक ड्राई राइटिंग मिलती है. ब्लैक कलर में आप कोई भी फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो आपको एक ड्राई कलर में क्या मिल जाती है, राइटिंग मिल जाती है. सिंपल, दैट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरोग्राफी विच मीन्स अ ड्राई राइटिंग. तो यहाँ पर देखें, मैंने नाम भी उसका लिख दिया हुआ फोटोकॉपियर, मीनिंग फोटोकॉपी इज अ ज़ीरोग्राफी मीन्स अ ड्राई राइटिंग. स्टूडेंट प्रिंसिपल किसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स है वो भी इसी के ऊपर है कि दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसके अंदर देखिएगा, व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट दी वर्किंग, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आते हैं और किस तरह आपस में मिलते हैं. अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दिया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, विच हैव वन मार्क्स इन योर पेपर. ठीक है, अब इसका भी 0.5 या 1 मार्क्स का आपको, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपकी चीज़ आ रही है तो 1 मार्क आपको वो इसका दे देगा. देन जो आपकी कंस्ट्रक्शन आ गए स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके इस टॉपिक में है वो है आपकी कंस्ट्रक्शन, और सेकंड आपकी है डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम. अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, मुझे पता है, आई नो दैट विच वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर लेक्चर, तो मैंने उनको दूसरे कलर्स में लिखा हुआ है. इट मीन्स कि आपने जब इनको पेपर्स में करना है तो आपने भी इनको हाईलाइट करना है या इनको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, ताकि एग्जामिनर क्या करे, आपके उन्हीं लेटर्स के ऊपर फोकस करे, उसको ये पता हो कि भाई ये डिमांड है इस लेक्चर की, तो इसके बच्चे ने उनके अंदर ये लिखा हुआ है. अब देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैंने क्या चीज़ लिखी है, द मेन पार्ट ऑफ फोटोकॉपियर इज द ड्रम, इज़ दी ड्रम. एंड ये है ड्रम जो है स्टूडेंट, जो फोटोकॉपी मशीन का ड्रम है वो ये है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. ये अंदर से एल्यूमिनियम है स्टूडेंट हमारे पास सारा, और इसके ऊपर जो कोटिंग है, कोटेड विद अ लेयर ऑफ सेलेनियम. जो है सेलेनियम वो क्या है, उसके साथ मैं उसको कोट किया हुआ है उस ड्रम को. अब ड्रम वो एल्यूमिनियम का है जो आपको पता है कि गुड कंडक्टर है, लेकिन वो जो दूसरा है उसके ऊपर जो कोट किया हुआ है वो सेलेनियम है, जो डार्क के अंदर क्या है वो बैड कंडक्टर है. A lamp which provides enough light energy to eject electrons from photoconductive atoms. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो लैंप है, यहाँ पे फोटोकंडक्टिव एटम्स मीन्स के मेरा पेज पड़ा हुआ है. लैंप क्या काम करता है आप देखते हैं, अगर आप फोटोकॉपी मशीन पे जाएं तो आपको नजर आएगी नीचे से लैंप की रोशनी ग्रीन कलर की गुजरती है. अब वो उसका काम क्या है, उसका काम ये कि जो हमारे पास पेज होता है उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने होते हैं. अब वो क्या होगा, जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएगा तो क्या होगा, उसके बाद वो मूव करेंगे लेंस की तरफ. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अ लेंस टू फोकस द इमेज ऑन ड्रम. कि अब यहाँ पे क्या होगा, इमेज जो है लेंस से फोकस होगा किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर इमेज पड़ेगी हमारे पास. ठीक है, अब वो इमेज क्या होगी, ब्राइट डेफिनेटली. अब उसके बाद क्या है, टोनर, हमारे पास जो टोनर हम यूज़ करते हैं, जो इंक है स्पेशल हमारे पास, जो ड्राई इंक होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं टोनर फोटोकॉपियर मशीन के अंदर. अगर आपने देखा होगा तो वो अगर अक्सर मशीन वाला सफाई कर रहा हो तो बैक साइड पे क्या चीज़ होती है, वो इंक हमारे पास नज़र हमें आ रही होती है, जो वो फेंक देता है, जो उसके अलावा जो उसके यूज़ में नहीं आती, जो इकट्ठी वो ज़ाया हो चुकी होती है. लास्ट पर हमारे पास इसका स्टेप हुआ है, हीट प्रेशर रोलर. अब हीट प्रेशर रोलर, अगर आपने फोटोकॉपी मशीन के पास गए हो, जब फोटोकॉपी निकलती है अगर आप उसको हाथ लगाएं ना तो उसको पेज को पकड़े तो वो गर्म होता है, तो वो हीट रोलर क्या करते हैं, असल में उस इंक को प्रेस किया होता है उन्होंने उस पेज के ऊपर, तो वो आपको गरम गरम पेज मिल जाता है. अब सुन, ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे जो मैंने आपको 5 स्टेप्स में इसके बता दिया हुआ है. अब देखें मैं डायग्राम की तरफ आता हूँ और डायग्राम में आपको समझा देता हूँ. अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास ड्रम, ड्रम के है, ड्रम के अंदर क्या चीज़ है, ड्रम के अंदर सारा का सारा क्या है मेरे पास, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाहर साइड पर क्या चीज़ है, सारी की सारी जो मेरे पास कोटेड है वो क्या होगा, सेलेनियम की
कोटेड जो है वो सिलीनियम की लेयर है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें लैंप, लैंप ने लाइट यहाँ पे डाली मेरे उस पेज के ऊपर जिसकी मैंने फोटोकॉपी करनी है। अब वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी लेंस के ऊपर, लेंस क्या कर देगा उसको मेरे ड्राइंग के ऊपर फोटोकॉपी कर देगा, जिसके फोटोकॉपी कर उसके ऊपर फोकस कर देगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इमेज बन चुकी है। अब देखें मैंने आपको क्या बोला कि बाकी सारे का सारा सिलीनियम डार्क के अंदर क्या रहता है, वो इंसुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग में देखें, जब वो यहाँ पे आएगा तो ये टोनर इंक स्प्रे करेगा, वहाँ पे इंक स्प्रे करने के बाद जब ये मूव करता रहेगा जो ड्रम है तो वो पेज के ऊपर आएगी, पेज के ऊपर जब यहाँ पे आएगी तो वो इंक जो ड्राई फॉर्म है वो मेल्ट हो चुकी होगी, और मेल्ट करते हुए उसको क्या कर देगा उसके ऊपर ही पेज जो फाइबर्स उनके साथ उसको जोड़ देगा। अब यहाँ पे देखें वर्किंग, आपने इसको समझिए, वर्किंग बहुत ईजी है इसकी, वर्किंग आपने समझनी है। पहले क्या है, सिलीनियम इज एन इंसुलेटर इन डार्क, डार्क के अंदर क्या है वो इंसुलेटर है, ठीक है। अभी देखें जब ब्राइट कब होगा, सिलीनियम इज मेड पॉजिटिवली चार्ज बाय कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वो बीमारी नहीं है जो आजकल आई हुई है, ये कोरोना जो हमारे पास, ये कोरोना जो हमारे पास एक वायरस होती है, ठीक है, जिसके हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मटीरियल को चार्ज देने के लिए। अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, उस पूरे के पूरे सिलीनियम को क्या कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, रिमेन्स पॉजिटिव इन डार्क, लेकिन वो डार्क के अंदर चार्ज ये स्टूडेंट कंडक्टर नहीं बनाया। देखें प्लीज़, कंडक्टर आपको पता है कि चाहे वो हमारे पास इंसुलेटर हो चाहे हमारे पास कंडक्टर है, पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, वो कंडक्टर के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और इंसुलेटर के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वहाँ पे क्या होगा, कोरोना वायरस रिमेन्स पॉजिटिव इन डार्क। अब ये कोरोना वायरस ने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया सिलीनियम को, ठीक है, और वो डार्क के अंदर रिमेन पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा, लाइट फॉल्स रिफ्लेक्टेड बाय लेंस ऑन सिलीनियम, लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, ऑन सिलीनियम एंड डार्क, उसके बाद क्या होगा, एंड डार्क एंड ब्राइट एरियाज आर फॉर्म्ड। अब देखें जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है उसने क्या कर दिया, अब डेफिनेटली लाइट क्या है वो इमेज लेके आ रही है उस पेज की, जो उस ऊपर पेज है। अब वो सारे का सारा जब पेज सिलीनियम के ऊपर आएगा, सिलीनियम के ऊपर कोट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ब्राइट फॉर्म, ब्राइट की फॉर्म में आ जाएगा, वहाँ पे बस लाइट एरिया बन जाएगा और बाकी सारा एरिया क्या होगा वहाँ पे डार्क होगा। अब यहाँ पे देखें डार्क एरिया रिटेन द पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला था इस पॉइंट में, देखें कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, रिमेन पॉजिटिव इन डार्क, तो पॉजिटिव चार्ज डार्क एरिया सिलीनियम का, उस एंड लाइट एरिया बिकम कंडक्टेड। अब वो जो लाइट एरिया है स्टूडेंट वहां पे क्या हो गया, वो कंडक्ट हो गया। अब वो एरिया सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टिंग फॉर्म में वो मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम जो ड्रम बना हुआ वो क्या काम करेगा, एल्युमिनियम न्यूट्रलाइज चार्जेस एंड पॉजिटिव इमेजेस फॉर्मड ऑन ड्रम। अब देखिए स्टूडेंट वो जो डार्क के अंदर पॉजिटिव चार्ज थे, एल्युमिनियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उन पॉजिटिव चार्जेस को जो सिलीनियम के अंदर बन गए थे कोरोना वायरस की वजह से, उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। मींस क्या, पूरे का पूरा जो ड्रम है न्यूट्रलाइज हो गया, सिवाय उस एरिया के जो ऊपर से क्या लेके आया हुआ है, इमेज लेके आया हुआ है। अब जब वो इमेज लेके आया उसके बाद क्या, यहाँ पे देखें ड्राइंग इलेक्ट्रॉन, अब इसका मतलब क्या हुआ, उनको तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया उसने, ड्राई करके न्यूट्रलाइज कर दिया। अब पीछे मेरे पास क्या बच गए हैं, वो वाले जो इमेज का एरिया बच गया जो ब्राइट फॉर्म में है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास टोनर है वहाँ से इंक स्प्रे होगी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, हाईली नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब क्या होगा कि वो ड्रम आ रहा है, अब वो तो ड्रम के अंदर जो स्प्रे है टोनर वो तो स्प्रे मारेगा ना, अब उसको तो नहीं पता मैंने कहाँ पर जाके चिपकना है, लेकिन जहाँ पर वो इमेज होगी वो टोनर वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, उस जो इमेज की फॉर्म बनी हुई है, ब्राइट फॉर्म बनी हुई है जो पॉजिटिव बन चुकी होती है, उसके साथ जाके मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे यहाँ पर इस पेज के ऊपर, अब ये पेज क्या है, ये पॉजिटिव है, अब वो इलेक्ट्रॉन जो उस इमेज के साथ लग के आ रहे थे वो उस पेज के ऊपर लग गए, बाकी जो इंक ड्राई थी वो नीचे गिर जाएगी, जो हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो ये जो पेपर है ये इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मींस ये इमेज है, ड्राई फॉर्म में है। अब ये सेम पेज यहाँ से आएगा, हीट रोल के अंदर से गुजरेगा, हाईली ये हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं, ये क्या काम करेंगे, उस ड्राई इंक को मेल्ट कर देंगे और मेल्ट कर देंगे पेज फाइबर्स के अंदर तक, उसको वहाँ पर डाल देंगे। अब वो जो हीट रोलर्स क्या करेंगे, उस इमेज को फिर साथ में जो मेल्ट इंक है उसके पेज के अंदर आ जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज की फॉर्म
जो पेपर है हमें वो फोटोकॉपी हो जाएगा सेम जिस तरह का हमारे ऊपर है। अब आप देखते हैं कि अक्सर पेज ख़राब होता है तो वो कहते हैं अब इसकी टाइमिंग ख़राब हो चुकी है या इनके नहीं आती, टोनर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ड्रम को बार बार हिलाते हैं, ठीक है, वो पेज मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट वो यहाँ पे ये कुछ तो ये पेज का मसला हो जाता है और कुछ हमारा क्या इमेज ख़राब बनना शुरू हो जाती है जो हमारी लाइट का या ड्रम की टाइमिंग का मसला बन जाता है। यहाँ पर वो टाइमिंग इशू भी देखते हैं जो हमारे पास फोटोकॉपी जो मशीन के मैकेनिक्स होते हैं वो आके इन चीज़ों को ठीक करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं। अच्छा सुन, इसके अलावा हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर भी है और लेजर प्रिंटर भी है, ठीक है। लेजर प्रिंटर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, हम लेजर लाइट यूज करते हैं, यहां पे हम आम जो ब्राइट लाइट है, ठीक है, हम लोग हाईली इंटेंसिव जो लाइट है वो यूज करते हैं, लेकिन लेजर के अंदर स्पेसिफिक लाइट है जो हमारे पास लेजर वाली लाइट होती है हम वो यूज करते हैं। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, वो हम जो प्रीवियस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कुछ हमारे पास एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।